रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी एक दिन और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल लव कुमार ब्लॉग्स में। मैं तो दोस्तों इस ब्लॉग के माध्यम से आपको हम दिखाने वाले हैं अपने गांव में, और यहां पर हमारे कुछ गांव के बच्चे हैं जिनके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनके विचारों को उनसे अवगत होते हैं। तो आइए आप ब्लॉग पर बने रहें। तो दोस्तों आपको हम मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे ही गांव के नन्हे मुन्ने कलाकारों से, और उनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उनके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। तो दोस्तों उनसे मिलने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है, बस उसे निखारने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। नितेश। नितेश कुमार। और अपना नाम? रोबिन कुमार। रोबिन कुमार। तो नितेश जी, आप कौन सी कक्षा में पढ़ाई करते हैं? तीसरा। तीसरा। और आप? संतवा। संतवा। तो नितेश जी, आप दर्शकों को कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे? नकपुरिया। नकपुरिया। तो ठीक है, नकपुरिया आप दर्शकों को सुनाएं। कुमार मैं गलती ए दांत पर दे देता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कुमार मैं गलती तो कैले बने, बाकी एक बेर गंगा नहैले बने। बहुत अच्छा, एक बार गंगा नहैले बानी, कुमारे में गलती कैले बानी, तो बहुत अच्छा लगा। ये आधुनिक गाना है और ये अभी ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही फेमस यह गीत था। तो रोबिन जी, आप दर्शकों को कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे? भोजपुरी। हाँ, भोजपुरी में सुनाइए दर्शकों को। लीली लीली आँखिया से कही देलू जादू, लगता कि सोचू मर जाए आज। बहुत अच्छा, नीली नीली आँखिया से कर देव जादू, बहुत अच्छा लगा। ये भी जो सॉन्ग है अभी यूट्यूब पर बहुत ही ट्रेंड कर रहा है और बहुत ही फेमस सॉन्ग था। तो नितेश जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ, अर्थात आपका घर कहाँ हुआ? हलुमाड़। हलुमाड़। तो हलुमाड़, तो आप अभी फ़िलहाल कहाँ रहते हैं? कौड़िया में। कौड़िया में, यानी कौड़िया में आपका क्या रिश्ता है? फुआ के घर है। फुआ का घर है। तो चलिए, तो और आगे आप क्या करना चाहेंगे पढ़ाई करके, शिक्षा प्राप्त करके? आपकी इच्छा क्या है, क्या चीज़ बनना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, फौज में क्या चीज़ आप बनना चाहते हैं? फौजी। फौजी, बहुत अच्छा है, फौजी बनिए, देश की सेवा कीजिए। तो मैं चाहूँगा कि पुनः आप दर्शकों को एक बहुत सा प्यारा सा एक गीत सुनाएं। हम नया नया गवना, नया तकिया बिछावना, चोली के खोली बनौल खेलावना। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने, बहुत अच्छा ये जो भोजपुरी का जो सॉन्ग था बहुत ही अच्छा था। तो मैं पुनः चलते हैं रोबिन कुमार के पास और उनसे कुछ बात विचार करते हैं। तो रोबिन जी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, क्या इच्छा है, क्या इच्छा है, मतलब आपकी क्या महत्वाकांक्षा है? आप टीचर बनना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, या अन्य क्या चीज़ बनना चाहते हैं? टीचर। टीचर, बहुत अच्छा आपका सोच है, आप बड़े होकर टीचर बनिए और समाज को शिक्षित कीजिए, बच्चों को पढ़ाए, ये मेरी तरफ से दुआ है आपको। तो आप दर्शकों को कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे, कोई भी अच्छा सा गीत सुना दे दर्शकों को? हवा में उड़ेला साड़ी के अचारा उड़ेला, मंडोला मंडोला देवे गोली दिला हमर जुदा करेला। बहुत अच्छा, ये नागपुरी जो सॉन्ग था, यह झारखंड किसान नागपुरी सॉन्ग, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे बीच हमारे ही गांव के कुछ लोग आए हुए हैं,
जो कि इन बच्चों का सॉन्ग सुनकर इन्हें यहाँ पर आने के लिए विवश ये लोग हो गए, तो इन्हें भी इनकी सॉन्ग प्रभावित कर दिया। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम ऋषि कुमार सिंह है। ऋषि कुमार सिंह। नाम? हमारा नाम उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र जी, उपेंद्र जी आप कई बार वीडियो में देख चुके होंगे, एक वीडियो जो कि हम लोग कॉमेडी बनाते हैं फन पलामू, तो उस वीडियो में आप देख चुके होंगे। और यहाँ पर हमारे एक स्टार हैं, देखिए पीछे बैठे हुए हैं विपुल कुमार जी, अभी कुछ कामों में व्यस्त हैं। हेलो दोस्तों। हाँ देखिए देखिए स्टार विपुल कुमार जी, जो कि अब फन पलामू जो हमारा कॉमेडी चैनल है उस पर आप बहुत से वीडियो देख चुके होंगे। एक्टिंग लाजवाब है। तो मैं पुनः आता हूँ, इन बच्चों से रूबरू होता हूँ। तो आप जैसा कि आप बता रहे थे कि आपको सैनिक बनना है, तो इसके अलावा आप संगीत के अलावा और आपका किस क्षेत्र में मतलब आपका रुझान है? आप क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट नहीं, फुटबॉल, क्रिकेट आप देखते हैं? हाँ। क्रिकेट में आपका सबसे पसंदीदा मतलब फेवरेट जो खिलाड़ी हैं कौन है? एम एस धोनी। वाह वाह वाह, झारखंड के शान एम एस धोनी, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद फिल्म देखते हैं? फिल्म, फिल्म में सबसे हाँ, आपको अच्छी एक्ट्रेस मतलब हीरोइन अच्छी कौन सी लगती है? हीरोइन में काजल राघवानी। काजल राघवानी, अरे वाह वाह वाह, भोजपुरी की सुपर स्टार, बहुत अच्छी बात है। आपको हीरोइन में कौन सी अच्छी लगती है? कोई नहीं। कोई नहीं, वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है कि कोई हीरोइन अच्छी नहीं लगती है। हीरो में कल्लू। कल्लू, वाह कल्लू, चलिए बहुत अच्छा है। तो आप फिर से पुनः दर्शकों को एक प्यारा सा एक गीत सुना दे। ऊपर इतना कितना, चलिए बहुत अच्छा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।